हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए वेनिला कपकेक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बिना ओवन के बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ बनाने के लिए हमने एक लार्ज बाउल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने पाउडर्ड शुगर लिया है 1/2 कप, मतलब पिसी हुई चीनी। इसमें हम गाढ़ा दही लेंगे 1/2 कप। अब इन मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे, जब तक कि हमारी पिसी हुई चीनी दही में अच्छे से मिल ना जाए, पूरी तरीके से घुल के मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ देखिए, मेरी चीनी और दही आपस में अच्छे से मिल चुका है। अब हम यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 1/4 कप। एक बार ये ऑयल डालने के बाद हमें इसको फिर से मिक्स करना है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसका सिल्की स्मूथ टेक्सचर ना आ जाए। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करिएगा। मैंने यहाँ पे किसी भी मशीन का यूज़ नहीं किया है, मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही हूँ, बीट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा सिल्की स्मूथ टेक्सचर जो है पूरी तरीके से तैयार है। मेरे जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे वो यहाँ पे मैंने पूरे यूज़ कर लिए हैं। अब हम लोग इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले छलनी लेनी है, जिसमें हम अपना मैदा, जो कि मैंने 3/4 कप लिया है, उसको अच्छे से छान सकें। अब इसमें हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने 3/4 टीस्पून लिया है। उसके बाद बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। दोस्तों, केक में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है मेज़रमेंट। सभी चीज़ों का एकदम परफेक्ट होगा तो आपका केक ऑटोमेटिकली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो यहाँ मेरे सारे इंग्रेडिएंट छन चुके हैं ड्राई वाले। अब इसको हम लिक्विड इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको इसको एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। आप इसको डबल डायरेक्शन में बीट मत करिएगा, अदरवाइज आपका केक इतना फ्लफी और स्मूथ नहीं बनता है। तो यहाँ मुझे बीट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया था। ये मेरा बेस जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है कपकेक का। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 1 टेबल स्पून। एक बार वेनिला एसेंस डल जाए तो हमें फिर से अगेन इसको बीट करना है एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ मुझे इसको बीट करते हुए 1 से 2 मिनट ही हुए हैं। तो यहाँ मेरा कपकेक का बैटर पूरी तरीके से रेडी है। अब हमें इसको इमीडिएटली कटोरियों में पोर करना है, जैसा कि हमने बताया था कि मैं इसमें ओवन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो जब तक मैं केक का बैटर बना रही थी, मैंने उससे पहले ही इसकी कटोरियाँ ग्रीस करके रख ली थी ऑयल से। ये देखिए, मैंने इसको ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है अंदर से। अब इन कटोरियों में हम जो बैटर डालेंगे वो सिर्फ 1/4 ही डालेंगे, क्योंकि क्या होता है, 1/4 बैटर डालने के बाद जब ये फूलना स्टार्ट होता है, बेक करना स्टार्ट होता है, तो ये ऊपर तक ऑलरेडी बेक हो चुका होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था अपनी कढ़ाई को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ मैंने नमक या फिर पानी किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिंपल स्टैंड रखा है और उस पर प्लेट रखी थी। अब हम इसको कुक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए, एकदम धीमी आंच पे। तो यहाँ 30 मिनट बाद मैं चेक कर लेती हूँ अपने कपकेक्स। तो देखिए, एकदम फ्लफी और ऊपर तक मस्त बेक हुए हैं मेरे, और जो नाइफ है वो एकदम क्लीन और क्लियर निकला है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ देखिए, 10 मिनट बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसके एजेस निकालने के लिए मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि मेरे इतने फ्लफी बने हैं केक कि वो अपने आप कटोरियों को छोड़ चुके हैं ठंडा होने के बाद। ये देखिए, एकदम क्लीन कटोरी आई है, और ये मेरा सॉफ्ट वेनिला कपकेक स्पंजी रेडी है। बिना ओवन के भी इतना अच्छा केक हम कढ़ाई में बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सीक्रेट चीज़ की यूज़ की है, मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा लेके इसको 10 मिनट के लिए ढक के रखा है, जिससे मेरे जो कपकेक्स हैं वो और अच्छे सॉफ्ट हो जाए। तो
तो यहाँ मैंने 10 मिनट बाद हटाया है। ये देखिए, अब मैं आपको एक केक अपना थोड़ा सा बताती हूँ अच्छे से पास से दबा के। ये देखिए एकदम स्पंजी है, सॉफ्ट बना है, मार्केट से भी बेहतर कपकेक बने हैं हमारे बिना ओवन के। अब मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला मेरा सॉफ्ट स्पंजी वैनिला कपकेक पूरी तरीके से रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आगे की और भी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलें।